वेलकम बैक, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल। मैं हूं अनिश, स्वागत करता हूं नेशनल क्लासेस में। जैसा आप देख चुके हैं और देख रहे हैं कि यह सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2017 एमएचडी 14 हिंदी उपन्यास 1 प्रेमचंद का विशेष अध्ययन के तहत हम पेपर लेके आए। यह पेपर है 2 घंटे और समय है 50। पेपर है 2 घंटे का और अधिकतम अंक है 50। पहला और छठा प्रश्न अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और प्रथम प्रश्न 20 नंबर का है, बाकी 3 क्वेश्चन आपके 30 नंबर यानी 10-10। देखिए, पहला देखिए, यहाँ तुम्हें ना सुख मिलेगा ना आदर। हाँ, कुछ दिनों में भोग विलास कर लोगी, पर अंत में इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। सोचो तो, थोड़े दिन तक इन दिनों को सुख देने के लिए तुम अपनी आत्मा और समाज पर कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। यह है सेवा सदन से। और दूसरा देखिए, ख महोदय ने कहा है कि तालुकदार अपने प्रजा का मित्र, गुरु और सहायक है। मैं बड़ी नए के साथ निवेदन करूंगी कि वह इतना ही नहीं, कुछ और भी है। वह अपनी प्रजा का सेवक भी है। यह उसके अस्तित्व का उद्देश्य है, हेतु है, अन्यथा संसार में उसकी कोई जरूरत न थी। उसके बिना समाज के संगठन में कोई बाधा न पड़ती। यह है प्रेमा श्रम से। और ग का देखिए, यह विचार उन लोगों के लिए जिनके प्रेम वासनाओं से युक्त होते हैं। प्रेम और वासना में उतना ही अंतर है जितना कंचन और कांच में। प्रेम की सीमा भक्ति से मिलती है और उनमें केवल मात्रा का भेद है। भक्ति में सम्मान और प्रेम में सेवा भाव का आधिक्य होता है। यह है रंगभूमि से। और घ, हाँ, यह वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे से उजाले की, मिथ्या से सत्य की। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और फिर लौट कर घर आए तो वह इस तरह रहेगी कि थोड़े थोड़े में निर्वाह हो जाए। एक पैसा भी व्यर्थ न खर्च करेगी, अपनी मजदूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में न आने देगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। यह है गबन का। तो कुछ श्रोताओं और वक्ताओं ने इनसे निवेदन किया था कि मैं प्रेमचंद के व्याख्या का भी अंश लेके आऊँ। और इस व्याख्या के तहत मैं यह कहना चाहता हूँ कि व्याख्या में आप पहले संकेत लिखेंगे, और जैसे कि इसमें है, जहाँ से जहाँ तक है वो लिखेंगे। उसके बाद संदर्भ, संदर्भ में आप जानते हैं कि यह प्रेमचंद द्वारा रचित काव्य, यानी कि इनकी रचना यदि काव्य है तो काव्य, यदि गद्य है तो गद्य, गद्यात्मक काव्य, उपन्यास, प्रेमाश्रम या सेवा सदन या रंगभूमि, गबन इत्यादि से लिया गया अंश है। और इसमें जो बातें नहीं थे उसके बताएंगे प्रसंग के माध्यम से, और फिर व्याख्या करेंगे। व्याख्या के अंत में आप उनके गद्य की विशेषताएं बताएंगे जरूर से, कुछ पॉइंट करके, और आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रेमचंद के अनुसार साहित्य जीवन की आलोचना है, इस कसौटी पर उनके कथा साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, सेवा सदन की अंतर्वस्तु पर विचार कीजिए। अंतर्वस्तु आप स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं कि अंतर्वस्तु को व्याख्या करने के लिए किस प्रकार से हम अपने शब्दों और विचारों को व्यक्त करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन 4, प्रेमाश्रम में ब्रिटिशकालीन जमींदारी प्रथा की शोषण गाथा है, इसका उदाहरण बताइए। 5वां, रंगभूमि में चित्रित असहयोग आंदोलन का विवेचन। 6वां क्वेश्चन है, 2 पर टिप्पणियाँ, यह अनिवार्य है। क है विट्ठलनाथ, 2 जालपा का चरित्र, प्रेमाश्रम की भाषा और रंगभूमि। यह पेपर आपके लिए अच्छा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।